जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि इस पर हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे सरकार बनने वाली है और हमारे ही चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे जम्मू के ही, बशर्ते आपकी जो मेहनत है उसमें कमी नहीं आएगी। ऐसा मौका हमें कभी भी ओबीसी वालों को नहीं मिला और ओबीसी का डिपार्टमेंट बांटा बात है, यह नहीं है कि ये बड़ा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है, ये भारत का बैनर है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, 1931 में सर्वे हुआ उसमें ओबीसी की गिनती 25 है, आज के दिन में ये 50% से ऊपर है और 15 होंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे समाज आदि आ गई, चार आदि आ गई, नवाइन आ गई, ये सारे लोग बैठे हो तो अभी हमारी डिमांड है, हमें आज का जो मिला है ना एशियन किया ना कांग्रेस किया ना बीजेपी ने किया, या तो केंद्र बैंक मोदी ने, आज इंफॉर्मेशन हमको मिली है तो हमें उनका बड़ा आभार प्रकट करना चाहिए। आने में समय के लिए हमारे लिए जो कमीशन बैठाया था और उसके अंदर हम लोगों के जहाँ संख्या है वहाँ बाद में इलेक्शन लड़ सकते हैं, पंच सरपंच लड़ सकते हैं, कौन है इनका मुसलमान पेटन है, हमारा एक्सरसाइज क्यों हो गया इसका कौन होता। आज हमारा ये प्रयास करना चाहिए कि सही से रिजर्वेशन 15-20 मिले हमको और उसके अलावा हमें भी शमूलियत इस एमपी और एमएलए इलेक्शन के अंदर भी मिलेगी, हमें डिमांड अपनी रखनी चाहिए। यहाँ पर ओबीसी समाज के लोगों का जाना हुआ बीच में कुछ सरपंच थे और मोहतमार के बिहार के जो जनमान्य लोग थे उनका भी यहाँ पर आया हुआ, जो मोदी सरकार की जितनी भी स्कीमें थी आज का तो समय है कि सबको स्कीमें वैसे ही पता थी, तो कुछ स्कीमें ऐसी भी थी जिनकी याद कर रही है कि वो उनको आज लगाई लगाई गई और समाज में तो जाते तो ये संकल्प हमारे लोगों को उन्होंने बताया कि वो क्या चीज है, कितने शक्तिशाली है, ओबीसी समाज हमेशा राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा रहा, भारतवर्ष के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि उनको बहुत गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी जी के ओबीसी समाज से बहुत बड़ा भेदभाव किया कांग्रेस ने।